अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ वाइट पास्ता, जिसके लिए मैंने एक बाउल पास्ता लिया है। आपके पास जो भी पास्ता हो आप ले सकते हैं। अब मैं एक पेन चढ़ा दी हूँ। मैं इसमें बड़े कप से 1 कप पानी डालूंगी। पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए। पानी गर्म हो गया, अब मैं इसमें पास्ता ऐड करूंगी। नमक डालेंगे 1 चम्मच। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी। अब इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको अच्छा से मिक्स कर ली। अब इसको बॉयल होने तक मैं इसको पकाऊंगी। अब ये हो गए, अब मैं इसे छान लूंगी। थोड़ा इसको ठंडा पानी से भी धुल लेंगे। अब ये अच्छे से धुल गए, देखिए कितने अच्छे धुले हैं। अब मैं सबसे पहले व्हाइट पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन में बटर डाल रही हूँ। अगर बटर नहीं हो तो आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें लहसुन कट किया हुआ सबसे पहले डालेंगे। इसमें ये ऐसा इस शेप में कटा हुआ प्याज है, एक मीडियम साइज का, एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ज्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का है। बस इसको फ्राई करके मैं अभी इसको निकाल रही हूँ। अब मैं इसी पैन में बटर डाल रही हूँ। 3 चम्मच बटर डालेंगे। अब ये 3 चम्मच मैं बटर डाल दी। 3 चम्मच ही मैंने इसमें मैदा लिया है। अब मैं इसी में मैदा को भी ऐड करूंगी। जितना मैदा रहेगा उतना ही बटर रहेगा। 3 चम्मच बटर, 3 चम्मच मैदा। अब इसको भूनेंगे। अब इसी में मैं काली मिर्च ऐड करूंगी। थोड़ा नमक डालेंगे, नमक मैं पास्ता में भी ऐड की हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से भून गए, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए मैदा में। अब मैं इसमें हरा मिर्च ऐड करूंगी, 20 से मैं कट कर ली हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। 4 हरा मिर्चा था। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास मैं दूध ली हूँ, इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा डाल के घुट लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली। अब मैं इसमें पास्ता ऐड करूंगी और ये शिमला मिर्च, प्याज ऐड करेंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए अब ये अच्छे से हो गए। गैस को ऑफ कर लूंगी। अब मैं इसे
निकाल दी हूँ।